जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल YouTube चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको पीपल को जल अर्पित करने के फायदे और पीपल से जुड़ी कहानी और पीपल से जुड़े टोटके शेयर करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा ही उपयोगी वीडियो साबित होगा यदि आप इसे अंत तक देखते हैं। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। पीपल की महिमा स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में श्री हरि विष्णु का निवास है, पीपल के तने में श्री कृष्ण निवास करते हैं और पीपल की शाखाओं में नारायण का निवास है। तो किसी न किसी रूप में श्री हरि विष्णु पीपल के पेड़ के हर हिस्से में विद्यमान है। पीपल के पत्तों में भगवान श्री हरि और पीपल के फलों में लक्ष्मी जी सहित सभी देवताओं का वास माना गया है। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जरूर तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल जरूर से अर्पित करना चाहिए। थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर करें तो और अच्छा होगा। लेकिन भूलकर भी पीपल में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है ये हम आपको इस वीडियो में जो कहानी बताएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि रविवार के दिन जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रविवार के दिन पीपल को जल देने से व्यक्ति दरिद्र होने लगता है, उसे दरिद्रता का श्राप मिल जाता है। पीपल में शनिदेव का निवास भी माना गया है। जब शनि विपरीत परिणाम दे रहा है, कुंडली का शनि अशुभ परिणाम दे रहा है, कुंडली में शनि की साढ़े साती है या फिर शनि खराब स्थिति में है तो शनिवार को पीपल की वृक्ष की जड़ में, सुन लीजिए, शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। यदि कुंडली में साढ़े साती है या कुंडली की स्थिति शनि से खराब है तो आप शनिवार के दिन एक उपाय कर सकते हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको तांबे के कलश में शुद्ध जल लेना है, थोड़ा कच्चा दूध लेना है और उसमें एक बतासा डालकर और फिर आप पीपल की वृक्ष की जड़ में चढ़ा दीजिए। ये बड़ी ही प्राचीन मान्यता है कि ऐसा करने से शनि की पीड़ा समाप्त होने लगती है और धन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक समस्याएं भी दूर होने लगती है। पीपल की परिक्रमा भी की जाती है और पीपल की परिक्रमा को बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की यदि नियमित रूप से परिक्रमा की जाए तो ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है, साथ ही साथ शत्रुओं का नाश भी होने लगता है। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु है तो आप पीपल के वृक्ष की नियमित रूप से परिक्रमा करें। पीपल को पूजनीय माना गया है और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सभी ग्रह दोष समाप्त होने लगते हैं, ग्रह बाधाएं समाप्त होती है, शांत हो जाती है, काल सर्प जैसे दोष और पितृ दोष भी शांत होने लगते हैं। तो पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर से करनी चाहिए यदि आप इस प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त हैं। अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि भी आती है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष पर शिवलिंग को स्थापित करके नित्य पूजा आराधना करता है तो उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होने लगती है। जी हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप शिवलिंग स्थापित करके नियमित रूप से भोलेनाथ शिव की आराधना कीजिए और इसके शुभ परिणाम आपको जल्दी ही देखने को मिलते हैं। एक बड़ा ही प्राचीन और चमत्कारी उपाय है जो कि हनुमान जी और पीपल के पत्तों से जुड़ा हुआ है। इस उपाय के अनुसार पीपल के नीचे आपको 11 पत्ते तोड़ लेने हैं या गिरे हुए पत्ते आपको उठा लेने हैं। टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और चंदन की स्याही से आप इस पर जय श्री राम लिखिए और फिर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, हनुमान जी को पहना कर आ जाइए। इससे आपकी सारी विपदाएं दूर होने लगती है और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।
शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से और गायत्री मंत्र का जाप करने से भय से मुक्ति मिलती है। यदि आपको अनिद्रा की समस्या है, रात को किसी कारण से अशांति रहती है, मन उदास रहता है, नींद नहीं आती है, तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिए। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो हर व्यक्ति पाना चाहता है, तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल की विधिवत आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी जी का स्मरण कीजिए, महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ऐसा करने से जीवन में धन, वैभव और संपन्नता आने लगती है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति के लिए एक पीपल के पत्ते का बहुत ही अच्छा उपाय है। पीपल का एक पत्ता लीजिए और इसे प्रतिदिन 1 घंटे तक जल से भरे पात्र में रख दीजिए और फिर इस जल को दंपत्ति को पीना चाहिए। ऐसा 3 से 4 माह तक लगातार करने से इस टोटके से सूनी गोद भर जाती है, ये काफ़ी प्राचीन मान्यता है। यदि किसी व्यक्ति का रोग लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है तो उसके तकिए के नीचे पीपल की जड़ रखिए, ऐसा करने से उसे स्वास्थ्य लाभ मिलने लगता है। कई लोग नौकरी करते हैं तो कई लोग व्यापार भी करते हैं और व्यापार में हर व्यक्ति चाहता है कि उन्नति हो, वृद्धि हो, तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो व्यापार में वृद्धि के लिए आपको चाहिए कि प्रत्येक शनिवार को आप पीपल के एक पत्ते को लीजिए और उस पर अनार की टहनी से कलम बनाकर चंदन की स्याही से स्वास्तिक का चित्र बना लीजिए और फिर इसे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, यानी कि आपकी फैक्ट्री, दुकान, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ आपको इस पत्ते को रख देना है। ये प्रयोग आपको लगातार 7 शनिवार तक करना है, 7 शनिवार, 7 सभी पत्तों को अपने पास रख लीजिए और फिर 8वें शनिवार को इन पत्तों को किसी सुनसान जगह पर डालकर अपने मन की मनोकामना को दोहराइए, बोलिए। ऐसा करने से व्यापार में बरकत होने लगती है, काफ़ी चमत्कारी उपाय है, आप करके देखिए, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। देखिए, सुबह सुबह जल्दी उठकर कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाते हैं, मंदिर जाना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन इस समय पीपल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल में दरिद्रता का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्य उदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, सूर्य उदय होने के पश्चात ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। पीपल के वृक्ष के बारे में एक कथा काफ़ी प्रचलित है, चलिए इस कथा को आपको बताते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी और उनकी छोटी बहन दरिद्रा श्री भगवान विष्णु के पास गई और उनसे बोली, हे भगवान, सारे जगत के पालनहार, कृपया करके हमें भी तो कहीं रहने का स्थान दीजिए। तब श्री विष्णु ने कहा, आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास कीजिए। इस तरह से वो दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। चूंकि पीपल को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल का पूजन करेगा उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। लेकिन रविवार को पीपल की पूजा नहीं की जाती है क्योंकि जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया क्योंकि उनकी बहन दरिद्रता का विवाह नहीं हुआ था। दरिद्रता के विवाह के उपरांत ही वो श्री हरि विष्णु जी से विवाह कर सकती थी। तो उन्होंने दरिद्रता से पूछा, भाई तुम कैसा वर पाना चाहती हो? दरिद्रता बोली, वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ ना करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई पूजा पाठ ना करता हो। तब श्री विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्त के अनुसार उन दोनों को किसी ऐसे स्थान पर निवास करना था जहाँ कोई भी धार्मिक कार्य ना होता हो, धर्म कार्य ना होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा में विलाप करने लगी और यहाँ श्री विष्णु ने पुनः लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बंध जाती है, बस जाती है, मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है जहाँ कोई धार्मिक कार्य ना होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रता व उसके पति को दे दिया। अतः हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास नहीं होकर दरिद्रता का वास होता है।
और यही कारण है कि इस दिन पीपल के वृक्ष को पूजा नहीं जाता है, जल नहीं अर्पित किया जाता है। ये काफ़ी प्राचीन मान्यता है और इसी आधार पर लोग रविवार के दिन पूजा नहीं करते हैं। इसी विश्वास के आधार पर यह भी मान्यता है कि यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पीपल के वृक्ष को काटना छांटना हो तो रविवार के दिन काटा जा सकता है, छांटा जा सकता है, अन्यथा पीपल के वृक्ष को किसी भी कारण से काटा नहीं जाना चाहिए। तो ये थे पीपल के वृक्ष से जुड़े कुछ उपाय, फ़ायदे और जल चढ़ाने के फ़ायदे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।